जैसा कि योग भट्टी, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि योग भट्टी में 4 घंटा 3 घंटा रेगुलर योग के स्टेच्यू के रूप में शायद बिठा के रखेंगे भाई जी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम लोग 4 घंटा कंटिन्यू बैठे रह गए और योग को इन्होंने बिल्कुल सहज कर दिया साउंड और एक्शन के द्वारा। जैसे कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो बैठे बैठे ही आलस से धपकी आ ही जाती है, तो जब हमने तो यही सीखा कि जब वो ऐसी स्थिति आए, आलस आए या झपकी आए, तो सीधे एक्शन में आ जाना है। मेरे संग संग चलता है बाबा, मेरे संग संग चलता है बाबा, ये चीज हमने सीखी। और मुस्कुराना, चाहे जैसी भी स्थिति अपने लाइफ में आए, अच्छा बुरा जो भी, हर स्थिति में हमें मुस्कुराते रहना है। और मुस्कुरा के उसको जब हम सामना करते हैं तो स्थितियां हमारी जो है वो पॉजिटिव वे में हो जाती है, वो उतनी कठिन नहीं रहती है। ये चीजें हमने सीखी। और फरिश्ता, आज तक हम एक ही फरिश्ता बनाते थे और अब हमने यहाँ पर 7 फरिश्ता बनाना सीखा है। तो भाई जी, रमेश भाई जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सिखाए और बताए। मैं तो यही चाहूंगी कि ये बार बार आए और हम लोग को ये आगे बढ़ाए। और इसमें जो भी भाई सहयोगी रहे, टंडन भाई दीदी, इन लोग जो भी सहयोगी हैं यहाँ रमेश भाई को लाने में, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसी वजह से हम सभी भाई बहन हाँ बहुत कुछ सीखे। अनुभव ये है कि जब जैसे कि अमृत वेले कभी 3 बजे उठ जाते हैं, तो जब मेडिटेशन में बैठे तो बैठे बैठे ही नींद नींद आने लग जाती है, तो फिर से तुरंत याद करते हैं कि मेरे संग संग चलता है बाबा, मेरे संग संग चलता है बाबा, तो अच्छा बाबा ऐसे ऐसे चलता है ना? ऐसे तो चलता है। तो फिर सही में लगता है कि सही में बाबा आ गया है सर के ऊपर और उनका अनुभव बढ़िया से होने लगता है और सारी माया जो होती है आलस निंद्रा वाली जो माया, वो सब दूर चली जाती है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी बाबा को याद करने में सहज गाना मिला, मेरे संग संग चलते बाबा, लाके सुनो मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। और फरिश्ता बनना, वही एक फरिश्ता मुझे भी बनाना आता था, अभी ये 7 फरिश्ता और जितना चाहे बना सकते हैं। जैसे मेरी आदत है, पता नहीं जो मुरली पढ़ जाते वही पॉइंट चलता रहता, सबको सोचती हूँ कितना मैं लोगों को बताऊँ, फोन पे भी वही, तो किसी किसी बताती, बोलते थे क्या बार बार हुई, कल खुद कर दें, बताओ ना क्या सीखा। मुझे लगता है मैं ये मुरली की बातें करूं, वही गीत वही मतलब गूंजता रहता है, और कुछ भी अच्छा सीखती हूँ सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं कितना ज्यादा लोगों को बताऊं माध्यम बनूं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और फरिश्ता बनते समय जो ध्यान करते समय अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि हाँ कहीं खो गए हैं, कुछ तो है अंदर से निकल रहा है, और वो मतलब पहले इतना नहीं होता था, अभी बहुत ही सहज हो गया, प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो भाई जी को बुलाए दीदी और भाई चंदन भाई ठीक और है, भाई जी आते रहे हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आते रहेंगे, अभी अनुभव सुना दो। ओम शांति। मेरा नाम बी आर गुप्ता है। मैं पहले तो ये योग भट्टी जो है, भट्टी के मतलब कि भरपूर ट्रेनिंग, जो बिल्कुल हरिता स्वरूप की अनुभूति की जो है, भरपूर ट्रेनिंग जो 3 दिन मिली है, ये बड़ा ही आनंदमय रहा, बहुत बढ़िया रहा, मैं पक्का कह रहा हूँ बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये 3 दिन ऐसा लगा जैसे 3 दिन के लिए हम लोग यहाँ मधुबन में ला रहे हैं, जैसे कल दीदी जी ने कहा, तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई जी जो है फ्रिक्वेंटली यहाँ आया करें, जिससे ये कुछ दिनों में मिनी मधुबन यही बन जाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी जो भट्टी के पहले ये हमको ये लंबा भरदेवरा में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने हमको टीला ब्रेस बनने के लिए कहा,
तो हमने दीदी से कहा कि तो डॉक्टर ने हमको रेस्ट करने के लिए कहा है और मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगा, मूवमेंट बंद किया है उन्होंने। तो दीदी ने कहा कि आप आइए और बीच बीच में जो है आप ऊपर जाके जो है आराम कर लीजिएगा, जब गायब होगा तो। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ 8-8 घंटे बैठा रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अच्छा सी बात है, तो जिस डॉक्टर ने कहा कि आप कंप्लीट रेस्ट कीजिए, डोंट मूव, डोंट वॉक, और मैं यहाँ 8-8 घंटे बैठा रहा, एक बाबा के चमत्कारी कहेंगे। ओम सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है। ओम शांति। बाबा और मेरा अनुभव यह है कि जिस दिन, मेरा नाम शोभना है, सबसे पहले तो जिस दिन यह शुरू हुआ उसी दिन हम यहाँ से गए। सुबह तो बच्चे की छुट्टी थी तो उन लोगों बोला कि तुम लोग चलोगे साथ में, तो कहने लगे नहीं मम्मी आप जाओ हम नहीं जाएंगे। जैसे सत्संग वगैरह होता है तो बच्चे कम आना पसंद करते हैं, तो यहाँ से गए वहाँ जाने के बाद जैसे हमने कहा बच्चे थोड़ा लेट हो चुका था तो कहने लगे मम्मी यहाँ इतना देर क्यों लगा है, ऐसा वैसा सब कुछ। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, अरे मम्मी क्या हो गया तुम्हें, ओ ऐसा मैंने उन लोगों को बोला। उसके बाद उनके क्या हुआ मम्मी तुमको, बहुत बढ़िया ऐसा बोलते गए, खाना बनाते गए उन लोग। फिर शाम को मैं बोलती हूँ कि बाबू तुम लोग चलोगे, तो बेटी कहे हाँ मम्मी हम चलेंगे, क्या है आपको क्या सिखाया गया, हम इतने बोले अब एक शब्द भी नहीं बोली, इस तरह बहुत बढ़िया बढ़िया बोलती जा रही, क्या सिखा रहे भाई के, हम भी देखेंगे। इसलिए वो शाम को आई थी। तो आज भी, आज का भी ये अनुभव है कि मैं सीधे अब स्कूल से आ रही हूँ, मतलब बेटा का थोड़ा टेस्ट था उसका रिजल्ट दिखाना था आज, सारी मैडम के साथ मिले तो थोड़ा ना खुश हुई, बताते गए मैडम ने ऐसा हुआ वैसा हुआ सारा सिखाया, हमने कहा बहुत बढ़िया ये भी बहुत अच्छा, उसकी मैडम बस गई तभी बहुत अच्छा, अच्छा तो मुझे करना है, उनने शिकायत किया ठीक है अब मैं बहुत अच्छा करूंगी, मैंने ये ठान लिया कि बहुत अच्छा, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई जी क्या, आप सबका बड़े भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ी धन्यवाद हमारे तीनों दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पावन भूमि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे बड़े संकल्प, पहली संकल्प तो मेरी ये रहा कि जो पहला संकल्प करना है वही में चलना है, तो आज मैंने ये संकल्प किया था जिस दिन मैं भाई जी को अनुभव जरूर सुनाऊंगी, तो आज मेरा पहला का था मैं अनुभव सुनाने का। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब तीन दिन से हो गए हैं, थोड़ा सही कर, थोड़ा सही कर, हाँ बस हम लोग बहुत बच्चे किए हैं 5 साल से हूँ संस्था में 5 साल से, और बच्चे आना है, लेकिन आप संगीतकार होते हुए कई अच्छी बच्चे गाए हैं, अब तो आप भले चले जाएंगे लेकिन वो कहना याद रहेगा आप जाएंगे या यहाँ नहीं जाएंगे। यदि बात आपने जो एक खास सुनी है बढ़िया वाली, ये होगा बढ़िया आपका नहीं होगा, हो गया बढ़िया, कैसे बढ़िया। तो ये सब जो है हम लोगों ने सुना है, लेकिन आप ये संगीतकार हो तो संगीत सुझा दिए रहे पता नहीं चला किसी को, ऊपर काम एक ही था कि आप दो दिन संगीतकार को उनकी कोई आपने किया वो बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, थैंक यू। ओम शांति सभी लोगों को, सभी दीदियों को, भाई जी को भी ओम शांति।
मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग कच्चे घड़े के समान थी, पक्की नहीं थी, लेकिन आपके भट्टी में पकाया जा रहा है और आपका ये प्रचलित सबको रहे कि जितनी कमियां हैं हम लोग पक सके। ये बताओ आपने अनुभव क्या किया? मैंने अनुभव किया यही कि हर समय आपने कहा कि बाबा मेरे सर पर रहें, खाना बनाते समय, चलते समय, फिर सुबह उठी नींद खुली तो अच्छा है, बढ़िया है और सफलता ही सफलता है, यही सब हमने कहा। मुझे बहुत अनुभव है सब। चलो तो नाम स्वाति है। जब मैं रोज भोग पहले लगाती थी तो पहले परम धाम से जाके बाबा को लेके आते थे, तब भोग लगाते थे। कल जब सुबह भोग लगाने बैठी तो वही था कि परम धाम से बाबा को लेकर, तभी याद आया बाबा तो मेरे ऊपर, मैं परम धाम से क्यों ले गया। ओम शांति। मैं इस उसमें संस्था में 2005 से लगा था, पर मुझे उतना अनुभव नहीं हुआ था। बीच में मुझे मधुबन जाने का कुछ वो मिला, मैं उनमें अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से भी मैं और पक्का हो गया। अब 3 दिन के भट्टी से इतने ही पाक गया मैं, मेरे दिमाग में 3 दिन में दिमाग में कहीं सोते समय भी मैं गुड नाइट करके सोया, उठते समय भी कहीं गुड मॉर्निंग किया, बाबा से कहीं बातचीत किया, तो 3 दिन का कहीं मुझे कहीं इतने नहीं उधर बहुत अच्छा, इतने कि सपने भी इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं। जो फरिश्ता है जहाँ छोड़ना है मुझे, जो चाहिए असंतुष्ट कर रहा था वहाँ भी मैं फरिश्ता छोड़ा हूँ। मुझे इतना शांति से 3 दिन सपने में छोड़ा फरिश्ता नहीं। अच्छा सपना एक सुना, कौन सा अच्छा अच्छा सपना? सपना इतने अच्छा देखा था, तो आज सोते समय मैंने गुड़ाई करके सो गया, बाबा को फोन किया तो उसमें मम्मी पापा के पास गया, सब अच्छी तरह से सबसे मिलन करके आया हूँ। तो थोड़ी सी दूरी हो गई थी भाई से। अच्छा। तो भाई को भी मैंने फरिश्ता भेजा हूँ, भाई पार्लियामेंट में है तो मेरे से थोड़ी दूरी में है, तो उसको भी फरिश्ता भेजा हूँ, तो भाई रात सपने में मिला मेरे को, भाई भाई कहते हैं चिंता ना कीजिए मैं आ रहा हूँ प्यारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 3 दिन के भट्टे में मुझे मन में इतने संतोष हुआ है, तो मैं खुशी एकदम खुशी इतनी हुई है सबसे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। मेरा उर्मिला नाम है भाई जी। मैं बहुत रोती रहती थी, मैं मधुबन भी गई थी, बहुत रोती थी, मगर जब से आपका प्रोग्राम मधुबन में देखा, वहाँ पे आपने हंसना सिखाया, तभी से मैं हंसना जानी। जी मैं 32 साल से मैं हंसना नहीं जानती, और मैं बहुत विकारों में रहती थी, मगर आपकी ज्ञान भट्टी से मुझे बहुत कुछ मिला। और मेरे बच्चे की आँख खराब है, मैं चाहती हूँ कि आपको ज्ञान भट्टी हमको जो सिखाया है उसको मैं भी दे सकूँ, निराली देना उनको करने। ओम शांति। बहुत अच्छा माता जी मुस्कुरा। ओम शांति। ओम शांति। भाई बहनों को नमस्कार। थोड़ा माइक पास कर ले। ओम शांति। सब भाई बहनों को नमस्कार। मैं 2 मिनट ज्यादा लूंगा, 3 दिन के अनुभव से ज्यादा मैं कुछ और भी शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। सन 1964 से मैं शिव बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे घर में एक शिव मंदिर है और एक कुआं था, उस वक्त उस घर में पानी सप्लाई नहीं होता था, गर्मी में मैं 100 हाथ समझ रही बकेट खींच के शिव भगवान को धोता था, नहलाता था, पूजा करता था, और उनके आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कुछ 25-30 सालों से मेरे सामने ऐसी ऐसी परेशानियाँ आईं जिसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता, मगर शिव बाबा को याद किया और सारे संकट वो मेरे दूर करते थे। 64 से ज्ञान में याद। 64 से भगवान से बहुत ज्यादा जुड़ा ज्ञान में रोस अभी याद। 2 मिनट ज्यादा लूंगा। उसके बाद जैसा आपने बताया 3 बार मेरा नया जिंदगी हुआ, एक्सीडेंट बचा। एक तरफ पानी है, तालाब नहीं है, समुद्र है समझ लीजिए, मेरा गाड़ी का टायर बस कर गया, वो भी फ्रंट स्टीयरिंग। मैंने भगवान हाथ जोड़ के कहा भगवान, और गाड़ी मेरी रुक गई और हम और ड्राइवर दोनों साथ साथ बचे। उसके बाद सन 1980 में पहाड़ के टॉप पे मेरी गाड़ी
टर्न हो गई और डाउन स्लोप हो गई और मैंने हाथ जोड़ा भगवान और गाड़ी मेरी बंद हो गई। तीसरी बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल बार बार बच्चे डाउन स्लोप पहाड़ के ऊपर स्टेयरिंग टूट के ऊपर ड्राइवर के हाथ में और मैंने आँख बंद की और एक बोल्डर पड़ा था और वहाँ पे गाड़ी रुक गई और तीनों दफे मुझे शिव बाबा ने बचाया। मैं इंदिरा नगर में काफ़ी अच्छे से हूँ, बहुत अच्छी आस्था रखता हूँ भगवान में, शिव जी का मैंने सेवा करी। अभी भी जब मैं जाता हूँ तो अपने घर के मंदिर में नमस्कार जरूर करता हूँ। इवन ये भी कह सकता हूँ कि मैं पढ़ता था और झाड़ू लगाता था, उस एरिया को इतना साफ रखता था कि एक पेड़ का पत्ता भी गिर जाए तो